तारिक सदर ताजिक सदर इमाम अली रहमान का दौरा दौरा पाकिस्तान है और वो पाकिस्तान पहुँचे हैं, तो उसके बाद उनकी वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई जहाँ पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अभी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ अपनी काबीना से उनकी मुलाकातें करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुलाकातें उनकी करवाई जा रही हैं और उनका तारुफ़ भी करवाया जा रहा है, और पाकिस्तान के सीनियर जो वज़रा है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए, और ताजिक सदर इमाम अली रहमान का ये दो रोज़ा दौरा पाकिस्तान है और दो रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर पहुँचे हैं। यहाँ पर उनकी अहम मुलाकातें भी होंगी, और ये आप देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले वज़ीर मुमलिकत खारजा अमूर हिना रबानी खर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, और अब वो यहाँ पर भी मौजूद हैं और इस्तकबाल किया जा रहा है मौजूद मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस में। उनकी जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से मौजूद मेहमान का वज़ीर आज़म हाउस आमद पर पुरतपाक खैर मकदम किया गया, इस्तकबाल उनकी जानिब से किया गया, शानदार उन्हें इस्तकबालिया दिया गया है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। और अब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो ताजिक सदर के हमरा जो उनका वफ्द पाकिस्तान पहुँचा है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, मसाफा किया जा रहा है। और दो रोज़ा दौरा पाकिस्तान है ये ताजिक सदर का इमाम अली रहमान का, जो कि अपनी टीम के हमरा अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे हैं और अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म हाउस में पहुँचे हैं, यहाँ पर वज़ीर आज़म के साथ भी वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी, और इसके अलावा वन ऑन वन मुलाकात भी शेड्यूल है, जबकि इसके बाद ताजिक सदर की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी मुलाकात शेड्यूल में शामिल है। दो रोज़ा दौरा पाकिस्तान पर पहुँचे हैं ताजिक सदर, और इस वक्त ताजिक वफ्द से वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, और अब से कुछ देर पहले गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया ताजिक सदर को, और उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, पुरतपाक खैर मकदम किया गया वज़ीर आज़म की जानिब से, दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए, और उसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया जिसका मौजूद मेहमान ने जायज़ा लिया, और उसके बाद मुलाकातें की गई, मसाफा किया गया, और दोनों जानिब के जो वफूद थे वहाँ पर उनको मुतारिफ़ करवाया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपनी काबीना से तारुफ़ करवाया और मुलाकात की। ताजिक सदर ने जो पाकिस्तानी वज़रा वहाँ पर मौजूद थे, हुकूमती जो टीम वहाँ पर मौजूद थी, और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो ताजिक सदर के हमरा उनका वफ्द आया है उनसे मसाफ़ा किया, उनसे मुलाकात की, और अब वज़ीर आज़म हाउस में जा रहे हैं, और वज़ीर आज़म हाउस के अंदर वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी और वन ऑन वन भी मुलाकात होगी, और जो मुश्तरका मुफादात हैं उनके हवाले से भी बातचीत की जाएगी, और जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों ममालिक के दरमियान उस हवाले से भी बात की जाएगी, बिज़नेस कम्युनिटी का भी, जिस तरह के वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पहले भी कहा था कि वो वेलकम करते हैं जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उसे खुश आमदेद कहते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बनाई जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मुहैया की जाएंगी। तो इस हवाले से भी ताजिक सदर के साथ बात होगी कि जो ताजिक इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए पाकिस्तान में कौन कौन से बेहतर मौके हैं, ताजिक इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में कौन कौन से ऐसे पेशे हैं जहाँ पर वो लोग अगर इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके साथ साथ जो मुश्तरका तिजारत है उसके हवाले से भी बातचीत होगी, दीगर अहम अमूर पर भी बातचीत की जाएगी। ताजिकिस्तान के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद हुई है और ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं जब दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए, और कौमी तरानों के बाद ताजिक सदर को, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया जिसका मौजूद मेहमान ने मायना किया, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर का पुरतपाक खैर मकदम किया, वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और दोनों ममालिक के कौमी तराने पेश किए गए। अब मुलाकातें होंगी और जो मुश्तरका मुफादात हैं उनके हवाले से बातचीत की जाएगी। शामिल करेंगे न्यूज अपडेट्स। दुनिया तेज है के लिए ताउन किया है वाइटल के नाम वाइटल पीओ जिंदगी।